हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो इस लेक्चर में हम कोरल रीफ्स डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इनके फीचर्स, देन व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर फॉर्मेशन, देन टाइप्स क्या हैं कोरल रीफ्स की, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये इंडिया में, एंड फाइनली कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। सो लेट्स सी। सो कोरल्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स विच आर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ सिक्रीटेड बाय कोरल्स। कोरल्स एक बेसिकली कोरल पॉलिप नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है। दैट इज़ दे सिक्रीट अ स्केलेटन आउटसाइड। जैसे ह्यूमन्स में अंदर होता है स्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन कहते हैं बिकॉज ये आउटसाइड सिक्रीट करता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, जब ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का मिल जाता है, सो दिस इज़ वॉट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, राइट। सो दिस इज़ हाउ कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन एंड अराउंड दीज कोरल रीफ्स रहते हैं। ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज होस्टेड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। एंड इंडिविजुअल कोरल इज कॉल्ड पॉलिप, राइट। थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल पॉलिप्स लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ कोरल कॉलोनी, राइट। सो ईच पॉलिप एक्सक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन, एंड ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम द स्केलेटन्स ऑफ मेनी कोरल कॉलोनीज एंड अप्स इन बिकमिंग अ कोरल रीफ, राइट। और ये कोरल रीफ भी कोरल आइलैंड में कन्वर्ट हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक वी हैव एग्जाम्पल इन इंडिया इज ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। और बहुत सारी स्पीशीज जैसे फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स, एल्गे, माइक्रोब्स, दे मेक दीज कोरल्स देयर होम। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट, दे अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर्स, एक्सट्रीमली डिफरेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल कलर्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर मेड ऑफ, राइट। सो लेट्स स्टडी द फीचर्स। फीचर्स क्या है? कोरल्स दे लिव अ सिम्बायोटिक लाइफ। सिम्बायोटिक लाइफ इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। किसके साथ? सिंगल सेल्ड एल्गे कॉल्ड जूजैंथले। एल्गे क्या करेगा? एल्गे विल एक्चुअली कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोवाइड फूड टू दीज कोरल्स, राइट, प्रोवाइड फूड। एल्गे का ये काम है। कोरल क्या कर रहा है? कोरल इज एक्चुअली गिविंग स्पेस फॉर द जूजैंथले टू लिव एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। सो दिस इज हाउ दे हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Algae gives off oxygen and other nutrients that the coral polyp needs to live, and in return the polyp gives the algae carbon dioxide and other substances the algae needs besides giving it the space, right? So this is how they have a symbiotic relationship. Also, coral reefs हमेशा surface पर ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर light चाहिए होती है algae को photosynthesis करने के लिए, और वहाँ पर वो light is available, ठीक है। So this is the reason. Then they occupy less than 1% of the world's ocean surface but provide home to 25% of all marine species. इतनी ज़्यादा biodiversity exist करती है, that is why they are known as rainforests of the sea or rainforests of the ocean, right? In addition to providing corals with essential nutrients, जो zooxanthellae है वो उसको color भी देता है। जो colors होते हैं corals के, that is also provided by the algae. So this could be asked in your pre-question, as a pre-question also, right? Next है conditions, क्या क्या required है? Conditions है tropical ocean water, clear tropical ocean water between 30 degrees north to 30 degrees south latitudes, ठीक है। तो ये basically 30 degrees north और 30 degrees south में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 20 to 25 डिग्रीज सेल्सियस। दे कैन फॉर्म अप टू अ डेप्थ ऑफ 90 meters बिकॉज दैट इज़ द डेप्थ एट विच एल्गे कैन फॉर्म फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो दैट ज़्यादा डेप्थ्स पे नहीं मिलेंगे आपको ये। दे आर नॉट फाउंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर वेयर लॉट ऑफ सेडिमेंट्स आर अनलोडेड इन टू द ओशन। सिंस वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, तो एकदम माउथ ऑफ द रिवर पर नहीं मिलेंगे आपको ये। एंड दे आर ओनली फाउंड इन सेलाइन वाटर विद सैलिनिटी of almost 27 ppt, right? Then types क्या है? तीन तरह, basically majorly हम तीन तरह की कहते हैं, fringing, barrier atolls और एक चौथी होती है patch reefs, ठीक है। So अगर हम fringing, are the most common type of the reefs जो होती हैं,
दे ये क्या है, ये कोस्ट लाइन के पास मिलेंगी अराउंड आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय नैरो और शैलो लगूनस. ठीक है, नैरो और शैलो लगूनस, राइट. उसके बाद नेक्स्ट होता है बैरियर रीव्स. बैरियर रीव्स आर ऑल्सो पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, बट ये क्या है, दे आर सेपरेटेड बाई डीपर और वाइडर लगूनस. ठीक है, जैसे हम ये देखें, ये हमारे पास कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगी वो फ्रिंजिंग मिलेंगी. कहते हैं ये एकदम फ्रिंज बना रही है ये शोर लाइन के साथ, ये फ्रिंजिंग है. जो अगर हम बैरियर की बात करें, सपोज दिस इज़ एन आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिलती हैं वो बैरियर रीव्स है. ठीक है, अब बैरियर रीव्स के बीच में वे विल हैव अ डीपर लगून. ठीक है, लगून मिलेगा. लगून क्या होते हैं, लगूनस आर दीज लेक्स ओनली जो कि बनती हैं बिकॉज ऑफ अ लाइक बैरियर रीव्स की वजह से बन जाएंगी, या कोई स्पिट्स की बार की वजह से बन जाएंगी. सो दीज आर ऑल्सो सॉल्ट वाटर लेक्स. ठीक है, सो एट द शैलोएस्ट पॉइंट दे कैन रीच द वाटर सर्फेस फॉर्मिंग अ बैरियर टू नेविगेशन. एग्जाम्पल, ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड. उसके बाद एटोल्स क्या है, एटोल्स एक तरह से रिंग्स ऑफ कोरल दैट क्रिएट प्रोटेक्टेड लगूनस एंड आर यूजली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सी. ये ऐसे अगर एक आइलैंड्स ही आपके पास पड़े हुए हैं, बीच में ये लगून है समवेयर इन द मिडल ऑफ द सी, सो दीज आर नोन एज अटॉल्स, राइट. दे यूजली फॉर्म एन आइलैंड सराउंडेड बाई फ्रिंचिंग रीव्स. दे सिंक इन टू द सी और द सी लेवल इट राइजेज अराउंड देम, राइट. दीज आर ऑल्सो, और ये बेसिकली दीज कैन ऑल्सो बी द टॉप ऑफ द अंडर वाटर वॉल्केनोज. द फ्रिंजिंग रीव्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवेंचुअली फॉर्म सर्कल्स विद लगूनस इन साइड. सो दिस इज हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. और जो पैच रीव्स होती हैं, पैच रीव कहीं भी हो सकती है, स्मॉल आइसोलेटेड रीव्स दैट ग्रो अप फ्रॉम द ओपन बॉटम ऑफ द आइलैंड प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कहीं भी रुक सकती हैं. दे यूजली अकर बिटवीन फ्रिंजिंग रीव्स एंड बैरियर रीव्स. दे वेरी ग्रेटली इन साइज, रियली टच रीच द सर्फेस ऑफ द वॉटर. सो दीज द एग्जाम्पल्स ऑफ पैच रीव्स, राइट. अगर हम डायग्राम देखें तो ये जैसे ये आपकी शोर लाइन है, तो ये जो निकल रहा है दिस इज फ्रिंजिंग रीफ. ठीक है, अब बैरियर रीफ क्या होगा, जब ये थोड़ा और सिंक कर गया तो ये हमारे पास बैरियर बन गया. ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस इज अ लगून. ठीक है, बिटवीन द आइलैंड एंड द बैरियर रीफ. सो दिस इज द लगून. सो दिस इज हाउ बैरियर रीफ इज फॉर्म्ड. जब वो जो वॉल्केनो था या जो माउंट था वो बिल्कुल ही डूब गया. ठीक है, सो यू हैव अटोल. सो दीज आर द आइलैंड्स. ठीक है, दिस इज हाउ दीज आर फॉर्म्ड, राइट. उसके बाद द मेजर रीफ फॉर्मेशंस इन इंडिया आर रिस्ट्रिक्टेड टू गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट. वाइल द लक्षद्वीप आर अटॉल्स, अदर्स आर ऑल फ्रिंजिंग रीफ्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पैची कोरल इज प्रेजेंट इन द इंटर टाइडल एरियाज ऑफ द सेंट्रल वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री. तो पैची तो बहुत जगह मिल जाएंगे आपको. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो पॉलिप्स क्या करते हैं, एल्गे को एक्सपेल कर देते हैं. ठीक है, तो एल्गे को एक्सपेल कर दिया, सो जो कॉलोनी है इट टेक्स अप अ वाइट अपेयरेंस. सो दैट वाइट अपेयरेंस, ब्लीच्ड अपेयरेंस, जो कलर्स हैं, कलर्स वर कमिंग फ्रॉम द एल्गे. तो एल्गे को एक्सपेल कर दिया तो वाइट अपेयरेंस रह जाता है, तो उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग. सो व्हेन द एल्गे आर एक्सपेल्ड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेन अ कोरल ब्लीचेज इट इज़ नॉट डेड. कोरल्स कैन सर्वाइव अ ब्लीचिंग इवेंट बट दे आर अंडर मोर स्ट्रेस एंड सब्जेक्ट टू मॉर्टैलिटी. कोरल ब्लीचिंग डज नॉट मीन के कोरल हैज़ डाइड. अगर कंडीशंस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे तो कोरल विल सर्वाइव द ब्लीचिंग इवेंट और फिर से एल्गे आ जाएगा और उनकी सिम्बाइसिस शुरू हो जाएगी. लेकिन क्योंकि कोरल स्ट्रेस में है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इट विल डाई, राइट. सो इफ़ पॉलिप्स दे गो फॉर टू लॉन्ग विदाउट जूस एंथले, कोरल ब्लीचिंग कैन रिजल्ट इन कोरल्स डेथ, राइट. एंड दैट विल हैपन विन द कंडीशंस आर स्टिल नॉट कंड्यूसिव. ठीक है, तो जो कंडीशंस नहीं है कोरल्स की फॉर्मेशन के कंड्यूसिव, सो दैट विल ऑब्वियसली लीड टू कोरल ब्लीचिंग. जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर्स पे भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है.
कोई भी डिजीजेज़ हैं, ब्लैक बैंड डिजीज़, वाइट बैंड डिजीज़, कोरल प्लेग या फिर मरीन पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण ठीक है कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ऑयल लीकेज, ठीक है कोई भी किसी भी तरह के पोल्यूशन से कोरल ब्लीचिंग कैन अकर, फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एल नीनोज, एल नीनो इज एसोसिएटेड विद कोरल ब्लीचिंग, ऑक्सीजन स्टार्वेशन हो गई वाटर बॉडी की, सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो गई लेट्स से ड्यू टू पोल्यूशन एट्सेट्रा, सैलिनिटी में चेंज आ गया. सो कोई भी अब्रप्ट चेंज आएगा इट विल एक्चुअली लीड टू कोरल ब्लीचिंग. बट जब ये फिर से नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगे सो दी कोरल्स कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ, राइट. सो लेट्स सी अ बिट ऑफ क्वेश्चंस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल ब्लीचिंग. इट इज द लॉस ऑफ सूज़ैंथले आइदर थ्रू एक्सपल्शन और लॉस ऑफ एल्गल पिगमेंटेशन. इट हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर ओनली. ये तो गलत है. ओशन टेम्परेचर जब कम होगा तो भी ऑल दी कोरल्स अंडरगोइंग ब्लीचिंग आर डेड कोरल्स. ये भी गलत है, ठीक है. उनके चांसेस बढ़ जाते हैं मोर्टैलिटी के, बट ये नहीं है कि दे ऑल बी डेड. सो द आंसर वुड बी हमारे पास ओनली वन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.